hello Bacho. let's see the question a centigrade and fahrenheit thermometer are dipped in a boiling water the water temperature is lowered until the fahrenheit thermometer registers 140 degree what is the fall in the temperature as registered by the centigrade thermometer now to answer this question first we will discuss here the key concept and here the key concept is the relation between fahrenheit temperature and डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोनों स्केल को हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं बाय द गिवन एक्सप्रेशन डिग्री फारेनहाइट माइनस थर्टी टू डिवाइडेड बाय वन एटी डिग्री इक्वल्स डिग्री सेल्सियस माइनस जीरो डिग्री डिवाइडेड बाय हंड्रेड तो यहाँ पे हमारे पास जो डिग्री फारेनहाइट होता है इस टेम्परेचर को हम यहाँ पे डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को फारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय दिस एक्सप्रेशन और साथ में हमें ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारे पास जो फार हाइट स्केल होती है उसमें टोटल हमारे पास वन डिग्री स्केलिंग होती है यानी लोअर पॉइंट इसका थर्टी होता है एंड अपर पॉइंट इज टू सिमिलरली हमारे पास जो डिग्री सेल्सियस होता है इसका लोअर पॉइंट जीरो होता है एंड अपर जो इसकी स्केलिंग गिवन होती है इट इज हंड्रेड नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे सेंटीग्रेड ऑफ फार एन हाइट थर्मोमीटर दे रखे हैं दोनों को हमने बॉइलिंग वाटर में डिप किया है सपोज हमारे पास यहाँ पे Water है, इसमें हमने यहाँ पे water को फिल किया अकॉर्डिंग टू द्वेश्चन दे रखा है इसमें जो टेम्परेचर है फॉर एन हाइट स्केल में इट इज सोइंग वन फोर्टी डिग्री और जो यहाँ पे हमसे पूछा गया है वट इज द फॉल इन टेम्परेचर एज रजिस्टर्ड बाय देंटीग्रेड थर्मोमीटर नाउ यहाँ पे फारेनहाइट स्केल में जो टेम्परेचर दे रखा है वो 140 डिग्री है इसी को हमें यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में पहले कन्वर्ट करना है फिर ये देखेंगे हम कि यहाँ पे जो टेम्परेचर का फॉल हो रहा है वो कितने डिग्री से यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो सबसे पहले वी विल कन्वर्ट इट बाय द गिवन एक्सप्रेशन दैट इज डिग्री फार एन हाइट माइनस थर्टी टू डिवाइडेड बाई वन एटी विल बी इक्वल टू डिग्री सेल्सियस माइनस जीरो डिवाइडेड बाय हंड्रेड नव यहाँ पे जो डिग्री फारेनहाइट पे स्केलिंग रखी है इट इज बाईन से जीरो कैंसिल एंड इट विल अगर हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें इट विल सेवन हंड्रेड माइनस वन सिक्सटी इक्वल नाइन इंटू डिग्री सेल्सियस और यहाँ से डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल भी 540 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस यानी हमारे पास जो सेल्सियस सेल्सियस स्केल है उस डिग्री हमें शो होगा लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर एज रजिस्टर्ड बाय बाई देंटीग्रेड थर्मोमीटर हमारे पास जो सेंटीग्रेड थर्मोमीटर है उसमें कितने का फॉल होगा तो वी कैन से फॉल इन स्केलिंग इन सेल्सियस स्केल इट विल बी गिवन एज हंड्रेड माइनस सिक्सटी डिग्री यानी हमारे पास जो फॉल होगा वो फोर्टी डिग्री का हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर फॉल इन द टेम्परेचर एज रजिस्टर्ड बाय द सेंटीग्रेड थर्मोमीटर इट विल बी फोर्टी डिग्री सेल्सियस हमने हंड्रेड से इसलिए माइनस किया है ये बात नहीं पड़ेगी क्योंकि जो सेल्सियस स्केल होती है टोटल इसमें यहाँ पे हंड्रेड की स्केलिंग की जाती है सो so, फॉल निकालने के लिए हम यहाँ पे हंड्रेड से इसको माइनस करेंगे तो गिवन ऑप्शन में से वी कैन से ऑप्शन वी विल बी द करेक्ट वन होपॉल यू अंडर टूड इट थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक